मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने पिछली ग्रामर में पिछली क्लास में लेसन टू तक पढ़ा था। आज हम लोग लेसन थ्री पढ़ेंगे। दिस इज़ द प्रॉपर नाउन। सबसे पहले तो हम ये जाने कि नाउन क्या होता है। नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो सब नाउन होते हैं। नाम कई तरह के होते हैं, नाउन्स कई तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नाउन और भी नाउन होते हैं, लेकिन अभी हमें इतना जानना है। प्रॉपर नाउन वो होता है जैसे पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का नाम। जैसे मान लो कि मेरा नाम अमित है, तो मैन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक अमित एक पर्टिकुलर मेरा नाम है। दिस इज़ द प्रॉपर नाउन। ठीक, चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बेटा। यहाँ पर राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। योर मदर, अपनी मम्मी का नाम यहाँ लिखेंगे, ये आप अपने से करेंगे। ओके, अपने पापा का नाम लिखेंगे, योर फादर। आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो, जो जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो, उसका नाम लिखेंगे। फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, आपके स्कूल का नाम आर्यन पब्लिक स्कूल। ठीक, फिर अपनी सिटी का नाम, आपकी सिटी है पी डी डी यू नगर, हो गया। और योर स्ट्रीट, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। ओके, क्लियर। आप देखो, यहाँ देखो, ऊपर देखो, नेम ऑफ पीपल, पीपल्स के नाम दिए गए हैं। ठीक, अब विलेज का नाम, टाउन का नाम, सिटी का नाम, ये सब दिए गए ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें प्रॉपर नाउन पे कलर करना है। कोई भी कलर आप ले लो। अब देखो, मैंने ग्रीन कलर ले लिया। पार्क, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, मलार हॉस्पिटल, तो मलार हॉस्पिटल पे मैं कलर कर देता हूँ। ठीक, दिस इज द प्रॉपर नाउन, हो गया। अब उसके बाद स्पायरो, ये एक चिड़िया है, क्रो, कौआ, कोई भी हो सकता है, स्नूपी, स्नूपी एक पर्टिकुलर नाम है। बेटा, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। अब देखो, बेंगलुरु, प्लेस, कंट्री, स्टेट, बेंगलुरु जगह का नाम है, तो इसको मैंने कलर कर दिया। ठीक, हो गया। अब देखो, ब्रदर, कमल, आंट, बॉय, तो कमल पर्टिकुलर नाम है, तो कमल को मैंने कलर किया। अब इसी तरह दिल्ली को कलर करेंगे, मुंबई कलर करेंगे, चेन्नई कलर करेंगे, अब यहाँ पर मीरा कलर करेंगे और यहाँ हिमालय कलर करेंगे। ठीक है, अब आगे हमें करना है सर्किल द प्रॉपर नाउन्स। तो देखो, जैक एक का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक, मैकडॉनल्ड, दिस इज़ द प्रॉपर नाउन। लंदन ब्रिज, दिस इज़ द प्रॉपर नाउन। लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, मैरी क्या है, प्रॉपर नाउन। सिंपल साइमन मेट अ पाई मैन, सिंपल साइमन, दिस इज़ द प्रॉपर नाउन। और हमेशा प्रॉपर नाउन किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से। मान लो तुम्हारे पास कोई डॉग, कैट या पैरेट है, उसका तुम क्या नाम रखोगे? अगर नाम है तो वही रखो, अगर नहीं है तो क्या नाम रखोगे वो रखो। जैसे डॉग, डॉग पर डॉग का नाम, मेरे पास डॉग है तो मैंने तो उसका नाम डॉलर लिखा हुआ है। ठीक है, पैरेट, पैरेट का नाम कुछ लोग मिट्ठू भी रखते हैं। ठीक है, मिट्ठू रख दो। कैट का नाम चलो लूसी रख देते हैं, कुछ लोग कुछ और भी लगे, जो आपको नाम अच्छा लगे वो। ये तो मैंने रखा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, सिटी, सिटी में न्यू दिल्ली, बुक रामायण, न्यूज़पेपर अमर उजाला, क्या शॉप कुछ भी हो सकती है, वी मार्ट। टीचर, अब टीचर आपको जो आपकी पसंद, जो आपकी फेम आपको पसंद होती है टीचर, उसका नाम आप अपने मन से लिखेंगे। मंथ है ना,
अप्रैल में स्कूल शुरू होता है तो अप्रैल का लिख लीजिए, अप्रैल फेस्टिवल, अब दिवाली बड़ा फेस्टिवल है तो दिवाली लिख लीजिए, कार, कार आपको जो पसंद हो उसका नाम लिख लीजिए, और कंट्री का नाम तो इंडिया ही रहेगा। वैसे तो जापान, चाइना, अमेरिका कुछ भी, लेकिन हम अपने देश का नाम लिखेंगे। टीचर आपको जो पसंद हो और कार आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, जो आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हो कुछ भी, जैसे शिनचैन है या डोरेमोन है या नोबिता है या जियान है, जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उसको लिखेंगे। नेम ऑफ द स्टोरी यू लाइक द मोस्ट, जो कहानी आपको अच्छी लगती है उसका नाम लिखेंगे। नेम ऑफ योर नेबर, अपने नेबर का नाम, जो आपके पड़ोस में रहता है उसका नाम। नेम ऑफ योर स्कूल, तो ये तो मैं लिख देता हूँ, है ना, आर्यन पब्लिक स्कूल, ठीक है, हो गया। ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला लेसन, लेसन 3 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बाद में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।